कुछ दिन पूर्व, कुछ पुलिस ऑफिसर्स का शिविर लिया था, तो शिविर में एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, स्वामी जी मुझे मेरे जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, मैं भौतिक सुख भोग रहा हूँ, तो क्या मुझे ध्यान की आवश्यकता है? मैंने उसको एक बार तो उत्तर दिया, अगर तुझे आवश्यकता नहीं लगती तो मत कर, लेकिन बाद में समझाया कि जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है, सुविधाएं हैं। हमको ना सुख और सुविधाएं, इन दोनों का अंतर समझने की आवश्यकता है। सुख सदैव स्वावलंबी होता है, सुख किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी स्थान के ऊपर निर्भर नहीं कर सकता, सुख आत्मनिर्भर रहता है। जबकि जो बाहर का सुख है, भौतिक सुख है, वो किसी न किसी व्यक्ति पे निर्भर रहता है, किसी वस्तु पे निर्भर रहता है। तो आवश्यकता है अपने आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। आप सुख पाने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत रहो कि वो व्यक्ति आपको सुख देगा, किसी वस्तु पे निर्भर मत रहो कि वो वस्तु आपको सुख देगी, किसी स्थान के ऊपर निर्भर मत रहो कि कोई स्थान आपको सुख देगा। यानी आपका सुख दूसरों पे निर्भर नहीं होना चाहिए। देखिए भौतिक सुख सुविधाएं आज हैं कल नहीं है, सब दिन समान नहीं होते ना। लेकिन अगर आप एक बार जीवन में आत्म सुख का आनंद लेना सीख जाओ, जीवन में एक बार आत्म सुख का अनुभव करना सीख जाओ, तो आपके बाहर के सुख की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जाने अनजाने में हम सुख को खोजते रहते हैं, लेकिन हमारी दिशा बाहर की ओर रहती है। हम किसी व्यक्ति से सुख पाने की कोशिश करते हैं, हम किसी वस्तु से सुख पाने की कोशिश करते हैं, हम किसी स्थान से सुख पाने की कोशिश करते हैं कि वो वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मुझे सुखी हो जाएगी। नहीं, वो टेम्प्ररी है, अस्थाई है, वो मिलने के बाद में भी आपको संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा। आपके सुख की खोज बाहर न होते हुए भीतर होने की आवश्यकता है। आप अगर भीतर से सुखी हो जाओ तो आपको एक स्वावलंबन आ जाएगा, आत्मनिर्भरता आ जाएगी, आप सुख के लिए किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं हो। मनुष्य जीवन भर सुख की खोज करते रहता है, सुख को ढूंढते रहता है और सुख के पीछे ही दौड़ लगाते रहता है, और जीवन के अंत समय में जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसको लगता है, अरे जीवन भर मैं पैसे के पीछे दौड़ा ये सुख पाने के लिए, पैसा तो प्राप्त कर लिया, खूब धन प्राप्त कर लिया, लेकिन मुझे सुख तो मिला ही नहीं। एक ना कार्टून था एक मैगजीन के अंदर, उस कार्टून में दिखाया गया था, पहले चित्र में चोर और पुलिस दोनों साथ में चल रहे हैं, दूसरे चित्र में चोर पुलिस के हाथ से छूट करके भाग गया, तीसरे चित्र में पुलिस वाला चोर को पकड़ने के लिए भागा, और चौथे चित्र में पुलिस वाला चोर के आगे भाग रहा था।
यानी क्या? वो पुलिस वाला काय को भागा था? पुलिस वाले का भागने का उद्देश्य क्या था? चोर पकड़ना। वो उद्देश्य बाजू में रह गया और वो उससे स्पर्धा करने लग गया, चोर से भी आगे भागने लग गया। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है मनुष्य, पैसे के लिए इसलिए भागता है कि उसको सुख प्राप्त हो, पैसे के पीछे इसलिए भागता है कि उसको आनंद प्राप्त हो। लेकिन कुछ दिन के पश्चात उसको अनुभव आता है कि पैसा तो प्राप्त कर लिया लेकिन सुख नहीं मिला, पैसा तो प्राप्त कर लिया लेकिन आनंद नहीं मिला जो आनंद के लिए मैं दौड़ा था। क्या कारण है? कारण है कि जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं, वो सुविधाएं, कंफर्ट। आप सुविधाओं के लिए थोड़ी दौड़े, आप दौड़े थे सुख पाने के लिए, लेकिन सुख बाजू में रह गया और आपकी दौड़ चलती रही, पर जीवन के अंत तक भी सुख का अनुभव नहीं हो पाए। लेकिन यही दौड़, यही यात्रा अगर हम बाहर की जगह भीतर की ओर करें तो एक स्थिति आपके जीवन में ऐसी आएगी जब आपके जीवन में आप तृप्त हो जाओगे, अब आपके जीवन में समाधानी हो जाओगे और मैंने मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। ऐसा भाव, ऐसी स्थिति आपको आपके इसी जीवन में अनुभव होगी और कई साधकों को हुई, उनकी बाहर की दौड़ समाप्त हो गई, बाहर की खोज समाप्त हो गई और अपने भीतर से ही, अपने अंदर से ही वो सुख को अनुभव करना सीख गए, सुख को ग्रहण करना सीख गए। तो वो सुख के लिए किसी विशेष व्यक्ति पे, वो सुख के लिए किसी विशेष वस्तु पे, वह सुख के लिए किसी विशेष स्थान पे निर्भर रही नहीं, वो भीतर से सुख अनुभव कर रहे। दूसरा, धर्म का मार्ग अलग है, योग का मार्ग अलग है। देखिए, धर्म के मार्ग से चलने से आप बुरे कार्य करने से बच सकते हैं, आपके हाथ से बुरे कार्य नहीं होंगे, अच्छे कार्य होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, सभी धर्मों में एक समान बात बताई गई, बुरे काम छोड़ो और अच्छे काम करो, बुरे काम छोड़ो और अच्छे काम करो। बस यही बात, यही उपदेश सभी धर्मों में, आप अध्ययन करो सभी धर्मों का, एक ही उपदेश, बुरे काम छोड़ो अच्छे काम करो, बुरे काम छोड़ो अच्छे काम करो। लेकिन कुछ लोग उस उपदेश को सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। इसलिए ऐसा कोई भी उपासना पद्धति नहीं है जिसके अंदर उपासना पद्धति के सारे ही लोग अच्छे हैं, ये उपदेश है। उपासना पद्धति उपदेश है, ये करो ये मत करो, उपदेश है बाहर से। और बाहर से उपदेश का इतना असर, इतना फर्क मनुष्य पे नहीं पड़ता है। जैसे एक समाज सेवी किसी गांव में गया और गांव में जाकर के उसने वहां प्रवचन दिया कि बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, और पीछे पटेल एक बैठा हुआ था, वो बैठे बैठे बीड़ी फूंक रहा था और वो बोल रहा था, हाँ बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। यानी ये प्रचारक ने बाहर से ज्ञान दिया, इस प्रचारक ने बाहर से उपदेश दिया कि बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है,
वो पीछे बीड़ी फूते पीते पीते बोल रहा है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो ये बाहर से बताया हुआ उपदेश बाहर तक ही रह गया, भीतर तक नहीं गया, अंदर तक नहीं गया। लेकिन समर्पण ध्यान संस्कार में ऐसा नहीं है। समर्पण ध्यान संस्कार में बाहर से कोई उपदेश ही नहीं है। आज 100 से अधिक देशों में समर्पण ध्यान संस्कार से लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो लाखों की तादाद में कर रहे हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है। आप जो पीते हो पीते रहो, जो खाते हो खाते रहो, जो खेलते हो वो खेलते रहो, जहाँ जाते हो वहाँ जाते रहो, यानी आप जो भी धंधे करते हैं दिनचर्या में वो सब मज़े से एकदम करते रहो। इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है, कोई उपदेश नहीं है। क्या होता है मन में? जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है, उसको तुम बाहर से बोलोगे बीड़ी पीना बुरी बात है छोड़ दे, वो तुम्हारे कहने से शरीर से छोड़ देगा, और उसके बाद में कुछ दिन बाद शरीर से पकड़ लेगा। तो इसके अंदर ना बाहर से कोई उपदेश नहीं है कि बीड़ी मत पियो, सिगरेट, कुछ भी नहीं है। एक ही बात है, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, बस। मैं आपके बगीचे में एक अच्छे किस्म के आम का बीज बो रहा हूँ तो उसको आम ही आएंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, लेकिन आपको नहीं मालूम ना। तो फिर क्या होगा? मैं आपको बोलूँगा जब तक आम नहीं आते पानी दो पानी दो पानी दो, और पानी आने के बाद में उसमें बमूल के कांटे नहीं आएंगे, उसमें आम ही आएंगे, ये मुझे पता है, आप भी अनुभव लेके देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से हिमालय के गुरु बीड़ी नहीं पीते ना, तो उसके बाद में जैसे आप उसका संस्कार ग्रहण करोगे, तो संस्कार ग्रहण करोगे क्या होगा? वही संस्कार वही बीज आपके अंदर भी आएगा, और आपके आने के बाद जैसे जैसे वो वृद्धिगत होगा आपकी सिगरेट आपकी बीड़ी स्वयं ही छूट जाएगी। छोड़ने को कहा नहीं जाएगा, बाहर से नहीं बताया जाएगा कि आप सिगरेट छोड़ दो आप बीड़ी छोड़ दो, ऑटोमेटिकली आपके हाथ से छूट जाएगा। यहाँ पे ना एक बड़ा मज़ेदार है कि बाहर से कोई ज्ञान नहीं कोई उपदेश नहीं, जो करना वो सब करो, केवल जीवन में ध्यान को जोड़ो। हुआ ना, एक नशा मुक्ति केंद्र पे मुझे प्रवचन देने के लिए बुलाया गया, तो वहाँ ना कोई डॉक्टर, एक बहुत बड़ा जैसे बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल के अंदर सब शराबी बैठे हुए रहते थे। तो एक डॉक्टर आया, उसने बोला देखो तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। सब शराबियों ने गर्दन हिलाई, उनका आदत ही थी वो। एक साधु बाबा जी आए, उन्होंने कहा देखो तुमने शराब पीना नहीं छोड़ी ना तो तुम नरक में जाओगे। सब शराबियों ने गर्दन हिलाई। मैं स्टेज पे गया और जब मेरा प्रवचन चालू हुआ ना, मैंने बोला जो शराबी एक बॉटल सिगरेट एक बॉटल शराब पीता है वो दो बॉटल पीना सीख जाए, मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ। सब शराबियों ने ताली बजाई और खूब स्वागत किया, आहा क्या स्वामी जी आए, बोलते खूब दारू पिया करो। और उसके बाद में वो आयोजक दौड़ते दौड़ते आए, बोले स्वामी जी आपको काय को बुलाया था, आप क्या बोल रहे हो? मैंने बोला मेरे को मेरा कार्यक्रम पूर्ण कर दो ना, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। फिर मैंने उनको कहा मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आपके जीवन में आया ही नहीं हूँ, मैं आपके जीवन में परमात्मा को जोड़ने के लिए आया हूँ। आपके जीवन में जैसे ही परमात्मा जुड़ जाएगा तो अगर शराब अच्छी होगी तो रहेगी, बुरी होगी तो छूट जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या है? उसके बाद में उन लोगों ने ध्यान किया, ध्यान का अनुभूति ली, ध्यान का संस्कार लिया, और संस्कार लेने के बाद में 45 दिन तक उसका अनुष्ठान किया। देखिए इसमें अनुष्ठान है, अनुष्ठान में क्या, जो कुछ बीज मिला है वो बीज को वृक्ष बनाना पड़ता है, अपने को मेहनत करना पड़ती है, अपने को साधना करना पड़ती है। तो 45 दिन के बाद में उसमें 90% लोगों की शराब छूट गई। क्यों? क्योंकि हिमालय के मुनि वहाँ बैठ करके शराब नहीं पीते थे ना, तो जब वो शराब नहीं पीते तो उनसे लिया हुआ संस्कार आपके अंदर अगर वृद्धिगत होगा तो आप शराब कैसे पियेंगे? वो सिगरेट नहीं पीते थे तो आप सिगरेट कैसे पियेंगे? वो बीड़ी नहीं पीते थे आप बीड़ी कैसे नहीं पियेंगे? तो कहने का अर्थ क्या है? जो वो नहीं करते वो आप नहीं कर सकेंगे, ऑटोमेटिकली वो संस्कार आपके अंदर डेवलप होगा। और फिर क्या होता है, सबका ना एक एक सोचने का ढंग है, ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, इस पर बहस करेंगे तो हम रात भर बहस कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहस कुछ नहीं है, जो चीज़ आपके जीवन में अच्छी है वो रहेगी, जो जीवन में आपके अच्छी नहीं वो खुद ही छूट जाएगी, छोड़ने को नहीं कहा जाएगा, इसके अंदर विशेषता है। दूसरा, अब हम अगर धर्म के मार्ग में चले ना तो कर्म मुक्त अवस्था नहीं है ना। देखिए इसमें बुरा कर्म मत करो अच्छे कर्म करो, बुरा कर्म मत करो अच्छे कर्म करो, ये कहा जाता है, लेकिन बुरा कर्म करोगे तो भी वो भोगने के लिए नया जन्म लोगे, अगर अच्छा कर्म करोगे तो वो भी भोगने के लिए नया जन्म लोगे, यानी आप पाप करोगे तो भी नया जन्म लोगे,
आप पुण्य करोगे तो भी नया जन्म लोगे, यानी नए जन्म लेना ही पड़ेगा। देखिए, नया जन्म लेने का कारण होता है केवल कर्म। आप अगर अच्छे कर्म करते हो तो अच्छे कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेते हो, आप अगर बुरे कर्म करते हो तो बुरा कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेते हो। यानी नया जन्म से पीछा आपका छूटता नहीं है, धर्म के मार्ग पर चल के ये पीछा छूटता नहीं। फिर कौन सा मार्ग है, फिर कौन सा रास्ता है? जिस रास्ते से सारे कर्म ही नष्ट हो जाए, ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा मार्ग है? ये ना कर्म के विषय में बहुत सारे प्रश्न जापान के साधक सामान्यतः पूछते रहते। जब भी मैं जापान में गया था ना, तो इस विषय पे खूब कर्म के ऊपर खूब प्रश्न आए थे। तो उनको मैंने समझाया, समझ लो एक गोल रिंग है, हाँ, उस गोल रिंग में आपका यहाँ पे जन्म हुआ है, और ये जन्म से आपको धीरे 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 पूरे जन्म के भोग है, वो भोग करके यहाँ आने का है। तो बोलते स्वामी, जब सारे कर्म भोगने के ही हैं, जो कुछ जीवन में होने वाला है वो होने ही वाला है, तो फिर ध्यान काय को करें, फिर परमात्मा काय को चाहिए? मैंने उनको कहा, ऐसा है, अगर यहाँ पे आपका जन्म हुआ है, लेकिन ये जन्म इसलिए हुआ है कि आप आपके जीवन के कर्म नष्ट करें, कर्म से मुक्त हो। लेकिन क्या होता है, जब आप कर्म भोगते हो ना, तो भोगते 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 पहले के तो कर्म नष्ट कर लेते हो, लेकिन उसी में नए कर्म के जन्म और जन्म में नए कर्म जोड़ लेते हो, तो कर्म का तो चक्र चलते रहता है ना, तो उस चक्र से मुक्ति नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आप ध्यान करोगे तो क्या होगा, ध्यान करोगे तो आप आपके पुराने जीवन के कर्म भोगोगे। कर्म से मुक्ति किसी को भी नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली है, आपको भी नहीं मिलेगी, तो आपको कोई मोक्ष या मुक्ति नहीं है, तो वो भोगना ही पड़ेंगे। तो क्या होगा, लेकिन वो अगर अकेले भोगोगे तो उसकी तकलीफ, उसकी चुभन आपको आएगी, और सामूहिकता में भोगोगे, कलेक्टिविटी में भोगोगे, तो उसकी चुभन, उसकी तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। समझ लो एक पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में एक चम्मच काली शाही डाल दो, तो एक चम्मच काली शाही से पूरे ग्लास का पानी काला हो जाएगा। लेकिन वही एक चम्मच काली शाही अगर हम जाकर के गंगा नदी में डाल दें, तो वो काली शाही कहाँ चली गई पता भी नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो वहाँ जाके क्या वो गोरी हो जाएगी? नहीं, काली शाही का अस्तित्व काला ही रहेगा, अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप आपके जीवन के भोग भोगोगे, पाप कर्म भोगोगे, लेकिन जब सामूहिकता में भोगोगे, कलेक्टिविटी में भोगोगे, तो कब भोग लिए आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। और वो देखिए, ऐसा करते 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 आप यहाँ तक आ गए कि आपने आपके जीवन के सब पाप कर्म भोग लिए, और भोगते भोगते एक ऐसी अवस्था आपको प्राप्त हो गई, एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त हो गई, कि उस आध्यात्मिक स्थिति में आपके हाथ से बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। उसके बाद में धीरे 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 यहाँ तक की स्थिति में आए, इसमें आने के बाद में आपके हाथ से बुरा कर्म हो नहीं सकता। दूसरा, अच्छा जो कर्म करो वो गुरु के माध्यम से आप परमात्मा को समर्पित करो, गुरु कृपा में हुआ है, ऐसा बोलते हो, और बोलते नहीं, ऐसा मानते हो, बोलना काफ़ी नहीं है, मानते हो कि जो कुछ हुआ है वो गुरु कृपा में हुआ है। यानी देखो, ये एक ऐसी अवस्था यहाँ आपको प्राप्त हो गई, आपने आपके पुराने जीवन के सारे कर्म भोग लिए, उसके बाद में आपसे बुरे कर्म हो नहीं रहे, उसके बाद में आपके हाथ से जो अच्छे कर्म हो रहे हैं वो भी परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, तो आपके साथ आप कुछ बांधते ही नहीं हो। तो एक स्थान पे, एक जगह आपको यहाँ जा करके एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जब आपके जीवन में कोई पाप कर्म नहीं रहते, कोई पुण्य कर्म नहीं रहते, एक शून्य की अवस्था, कर्म मुक्त अवस्था उसको कहते हैं। इसी को मोक्ष की स्थिति कहते हैं। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष स्थिति आपको आपके जीवन काल में प्राप्त करना पड़ती है, और उसके बाद में यहाँ मिलने के बाद में जब आपका शरीर छूटे तो मृत्यु है, तो मृत्यु के बाद में मोक्ष कभी नहीं मिलता, मोक्ष आपको आपके जीवन काल में ही प्राप्त करना पड़ता है। ये केवल योग के माध्यम से ही संभव है कि आपको एक कर्म मुक्त अवस्था आपके जीवन में प्राप्त हो, जहाँ आपके जीवन के सारे पिछले जन्म के कर्म भोग लिए हो, जहाँ जाकर के आपसे बुरे कर्म हो ही नहीं रहे हो, और एक ऐसी अवस्था जहाँ अच्छे कर्म करो वो कर्म भी अपने साथ बांधते नहीं हो, एक कर्म मुक्त अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है। आपने कई जगह कई स्थानों पर देखा होगा, माँ बाप मर जाने के बाद में उनके नाम से दान दिया जाता है, उनको नाम से डोनेशन दिया जाता है, मतलब वो बेचारे अपने जीवन में बैलेंस करके गए होंगे, ये और पुण्य कर्म उनके नाम से जोड़ देते हैं, यानी वो पुण्य कर्म भोगने के लिए फिर दूसरा जन्म लेंगे ना। इसलिए आप देखो,
इतने सारे आश्रम से, इतने सारे स्थान हैं और लाखों रुपए का डोनेशन आता है, लेकिन कहीं पे भी कोई किसी नेम प्लेट नहीं लगी कि फलाने फलाने ने ये बांध काम कर दिया, फलाने फलाने के मदद से ये हुआ, किसी का नाम नहीं। क्या कारण है? ये मर्म, ये ज्ञान हमारे लाखों साधकों को है। उसके कारण कोई भी साधक अपना किया हुआ कर्म कभी अपने साथ बांधता नहीं है, कभी नहीं बोलता कि मैंने किया है, मैंने किया है। क्यों? क्योंकि अपने उसको मालूम है, अगर मैंने किया बोला तो मेरे अकाउंट में लिखा जाएगा, और मेरे अकाउंट में लिखा गया तो मेरे को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसमें कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो सकती है। संत ज्ञानेश्वर जी ने एक विश्वधर्म की कल्पना की थी, एक विश्वधर्म की कल्पना की थी। विश्व का एक ही धर्म है। हमारे पूर्वजों ने वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना की थी, तो क्या वो कल्पना, क्या वो विश्वधर्म कल्पना था? उसको कोई आधार नहीं था? उसको क्या आधार रहा होगा? उसको थोड़ा गहनता से सोचने की आवश्यकता है। उसका आधार कोई भी मूर्ति नहीं हो सकती, उसका आधार कोई भी देवता नहीं हो सकता, उसका आधार कोई भी उपासना पद्धति नहीं हो सकती, उसका आधार कोई भी भाषा नहीं हो सकती। तो कौन सा ऐसा आधार है, कौन सा ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से विश्वधर्म की कल्पना साकार हो सकती है, जिस मार्ग से वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है? वो मार्ग है योग का मार्ग, अनुभूति का मार्ग। ये अनुभूति का जो मार्ग है, ये एकमात्र मार्ग है जिस मार्ग से वसुदेव।